तो गणेश जी देखिए, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले तो याद रखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई ये क्लियर है? तो प्लीज लेना। ओके, फिर हमें ये भी पता है कि अगर इसके रूट्स निकालने हो तो इसके दो रूट्स होते हैं। पहला जो रूट है वो है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और दूसरा जो रूट है वो है माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। याद है कोई दुख लेकर? अब थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको चीज़ें ना बड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप देखेंगे पूरा जो फोकस है वो बात डिपेंड हो जाती है ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे। मेरी बात नहीं समझ आती? अरे मेरी बात नहीं समझ आती? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो रूट्स हैं, जैसे मैं इसको लिखता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो नेगेटिव आ जाता है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो नेगेटिव आ जाता है। जैसे ही वो नेगेटिव आ जाता है, अब आप रियल नंबर की दुनिया से निकल चुके हैं। नहीं समझ में आया? क्योंकि रियल की दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं होती। नहीं समझ में आया? रूट माइनस हमें कुछ नहीं होता, रियल से तो आप निकल गए। तो अगर यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लास 10th में जो आपका एक्स है वो रियल नंबर की दुनिया में ही रहता है। तो वो क्योंकि रियल नंबर की दुनिया में रहता है और आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो नेगेटिव है, तो आप कॉम्प्लेक्स की दुनिया में क्लास 10th तक नहीं जा सकते। नहीं समझ में आया? तो अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो लेस देन जीरो हो गया तो आप बोलेंगे रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? अध्यापक अपने आप से बातें करते जा रहे हैं। पक्का? अच्छा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं वो कबूतर की जो जान है, नहीं राक्षस की जो जान है वो इस कबूतर में बैठी है। ये वाला कबूतर पे हमने फोकस करना है, बीस पे माइनस फोर। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि सर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी या वॉट एवर फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन इज रूट्स, ओके अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन रियल और कॉम्प्लेक्स, तो आपने सर क्या कैलकुलेट करना है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव आ गया तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स स्लैश इमेजिनरी स्लैश नॉट रियल होंगे। टेकिंग सेंस? शाबाश। ओके, अब फिर से कबूतर को लेके आइए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को लेके आइए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसे मतलब हंसता खेलता, एक तो पॉजिटिव नंबर है और कंप्लीट स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ आ रही आपको? भाई ये हो गया टाइप वन। दूसरा टाइप टू, टाइप टू में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है पॉजिटिव है, कंप्लीट स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा नजर आएगा माइनस फोर प्लस माइनस रूट 64 अपॉन टू। नहीं समझ में आया? और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हंसता खेलता पॉजिटिव नंबर है और कंप्लीट स्क्वायर है। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो दो रूट बनेंगे दोनों रियल होंगे और दोनों अच्छे सुंदर सुशील लड़के होंगे, दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। नहीं समझ में आया? काहे? क्योंकि माइनस फोर प्लस एट अपॉन टू माइनस फोर माइनस एट अपॉन टू, दोनों जो रूट्स हैं, एक रूट है 4/2 इज इक्वल टू टू, दूसरा रूट है माइनस सिक्स और टू। अच्छे रोज नहाने वाले पूजा करने वाले अच्छे बालक, दोनों राशियों पर। नहीं समझ में आया? अब टाइप थ्री देख लीजिए, टाइप थ्री देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव तो है लेकिन उदंडी बालक है, 47 का रूट। नहीं समझ में आया? कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव तो है। पिताजी की बात तो समझते हैं, मतलब सुनते भी हैं, बट रात को पार्टी करके 2 बजे वापस आते हैं। नहीं समझ में आया? तो
इस केस में एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी या माइनस टू प्लस माइनस रूट 47 अपॉन टू। कोई रैंडम एग्जांपल ले लिया भाई, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया। अब इस केस में रियल भी होंगे बट इरेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। मेरी बात नहीं समझ आ रही, स्पेलिंग गलत है, इरेशनल देख लेना यार, स्पेलिंग देख लेना। ये टाइप थ्री है। टाइप टू में एक चीज और आपने नोटिस की होगी, मैं यहां प्रॉपर्टीज भी ले देता हूं। रियल है, रैशनल है, अनइक्वल है। मेरी बात नहीं समझ आई भाई, रैशनल है तो रियल तो होंगे, बट आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैं दोनों टर्म्स लिख दिए, रियल भी लिख दिया और रैशनल भी लिख दिया। क्योंकि कई लोग इसको बोलते हैं कि सर अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का तो जो रूट होगा वो रियल होगा, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है रियल तो होगा, पॉजिटिव है तो रियल तो होगा, बट वो रैशनल भी होगा। मेरी बात समझ आएगी, डिफरेंस समझ आ गया आपको। टाइप थ्री में, टाइप थ्री में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो पॉजिटिव है बट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो रियल तो है बट रैशनल नहीं है तो इरेशनल है। अरे माता जी आपको समझ नहीं आ रहा पक्का? मैडम को डाउट, सर को डाउट? अगर आपने वो रियल रैशनल नेचुरल वाला ध्यान से देखा होगा तो फिर आपको समझ आ गया। मैं वो पीछे रिवाइंड का बटन नहीं दबा रहा, टाइप थ्री समझ आ गया। तो अपने पास अब जो केसेस आ गए, अपने पास जो केसेस आ गए वो कौन से केसेस आ गए? टाइप वन, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन जीरो, तो यहाँ क्या होगा? नॉट रियल। अब यार इसको नॉट रियल भी बोल देते हैं, इसको इमेजिनरी भी बोल देते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, जैसी आपकी इच्छा। नहीं समझ में आ रहा। टाइप टू, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। मेरी बात समझ में? अब ग्रेटर देन जीरो में जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो कंडीशंस और बन जाती है कि सर लड़का तो पॉजिटिव है मतलब अच्छा लड़का है, पिताजी की बात मानता है, बट एक तो मतलब रात को मतलब 8 बजे भी वापस आ जाता है और दूसरा यश 2 बजे यहाँ वापस आता है। मेरी समझ? तो इस केस में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है, कंप्लीट स्क्वायर। और इस केस में ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट जो है वो नॉट कंप्लीट स्क्वायर बनता है, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। मित्रों कोई डाउट यहाँ तक? इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल रूट 49 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा रूट 48 या रूट 43। नहीं समझ रहा? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी याद रखिए, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी याद रखिए। कुछ प्रॉपर्टीज होंगी याद रखिए, रियल है, रैशनल है, अनइक्वल है। इस केस में रियल है, इरेशनल है, अनइक्वल है। मित्रों को डाउट? टाइप थ्री, ये आप कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको 2A बोल दीजिए और इसको 2B बोल दीजिए, क्योंकि आपकी बुक में उसने ये जो दो बाइफरकेशन हैं, ये वाली बाइफरकेशन और ये वाली बाइफरकेशन आपकी बुक में नहीं थी। मैं भी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, तो मैं इसलिए टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री बोल देता हूँ। टाइप थ्री तो हंसता खेलता मतलब सबसे सुंदर बच्चा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो जीरो हो जाएगा। सही समझ में आ रहा? ये सबसे क्यूट लड़का है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, याद रखिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो। तो फिर से लॉजिक समझिए, लॉजिक समझिए। टाइप थ्री, माइनस टू प्लस माइनस रूट जीरो अपॉन टू, या ऐसे कर लो माइनस फोर अपॉन टू। अब इस केस में देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं दोनों जो रूट हैं वो सेम होंगे। नहीं समझ आए? बोथ रूट्स आर इक्वल। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? तेरे पास
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो ऐसे ले लें, थ्री स्क्वायर माइनस, या ऐसे ले लें, फोर स्क्वायर माइनस फोर सिक्सटीन इंटू इंटू टू इज इक्वल टू जीरो। मेरी बात समझ में आई? अरे भाई साथ में हो, साइकिल में गिर पीछे बोला। अध्यापक गांव में पहुंच गया, छात्र पीछे गिरा हुआ है, रोड पे गिरा हुआ है, नहीं समझ रहा। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्या है, टू, बी क्या है, फोर, सी क्या है, टू। तो जे इक्वेशन में, नहीं समझ रहा, जे इक्वेशन में मैडम समझ आ रहा नहीं आ रहा। जे इक्वेशन में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बिनीजी किसके इक्वल होगा, बिनीजी स्वयं है। अरे यही इन्फॉर्मेशन है तो ये इक्वेशन बनाई है, एक बात समझ आई। ये बी है, ये ए है और ये सी है, नहीं समझ में आ रहा। अब ठीक है, शांत। अब इसके अगर आप दो रूट्स निकालेंगे, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँ कि अगर आप इसके दो रूट्स निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है क्या, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, दिस वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसके जो दो रूट्स हैं वो माइनस वन दोनों सेम इक्वल, और आपको पता ही था क्योंकि उसका बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल जीरो के इक्वल, नहीं समझ रहा। अरे पिताजी आपके आपके हाल चाल देख के बता देते हैं ना कि तू फेल हो जाएगा इस बार, नहीं समझ रहा। तो पता चल जाता है कि इंग्लिश में मतलब शेक्सपियर की मार के रखी हुई। तो पिताजी पहले कह देते हैं कि बेटा तुम इंग्लिश की दो ट्यूशन रख लो, नहीं समझ रहा। तो ये केसेस हैं आपके सामने, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। इस केस में यार एक बात ना हमें और समझनी पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे, अगर आप मेरे साथ, ये तब लगता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और थोड़ा सा अगर और दिमाग लगाए तो एक बात और समझ आनी शुरू हो जाएगी, जो कि यहां, ये देखिए, यहां यहां मैंने बात की है, बट मैं थोड़ा सा इसको आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर नहीं समझ आ रहा तो भी चलेगा, कोई इतनी, यू डोंट हैव टू स्लैश योर रिस्ट। एक बात आपको यह समझनी पड़ेगी, मैंने यहां पर इरेशनल लिखा है, मैंने यहां इरेशनल लिखा है डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा। बट देयर माइट बी अ कंडीशन, ध्यान से सुनिए, देयर माइट बी अ कंडीशन लाइक दिस जिसमें जो ए है वही रूट फाइव है, नहीं समझ में आ रहा भाई। उसमें क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, ये जो है ये तो 49 है, बट इस कम बकत की वजह से यहां नीचे 2√5 ने जो रूट है, भव्या जी धीरे धीरे नींद के साथ अपने डूबती हुई, तभी मैं सोफे पे बैठना नहीं चाहता, भव्या जी चेयर पे बैठ जाइए, 5 मिनट तक सो जाएंगे आप, बढ़िया मतलब देखना, नाइस नाइस, देख के समझ आता है वास्तु दोष है सर। जो मैं अभी कह रहा हूँ नहीं भी समझ आता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कंप्लीट स्क्वायर है, वो अपना आराम से काम कर रहा है, बट नीचे जो दुष्ट ए एक्स स्क्वायर का जो ए था और नीचे जो टू ए था वही रूट फाइव था, तो उसने ऊपर जो भी है तुम देख लो भाई, मैं तो तुम्हारा इरेशनल भी बनाने लगा हूँ, मेरी बात नहीं समझ आई। 15-16 साल जो कुछ तो सीखा ही होगा, नीचे बोलिए जो मैं कह रहा हूँ अभी, ये समझ आ गया नेचर ऑफ रूट्स का, समझ आ गया पक्का। तो तीसरा जो कंडीशन बनती है, तीसरी जो कंडीशन बनती है वो सबसे प्यारी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के इक्वल है। तो इस केस में जो रूट्स बनेंगे
देवियों और सज्जनों, वो शाबाश, सॉरी आई एम सॉरी, बोले रियल शाबाश इक्वल हरासमेंट। मित्रों कोई डाउट पक्का? अब एक तमाशा देख लीजिए, एक तमाशा देख लीजिए, ताकि आपको मैथ्स पे विश्वास रहे, ऐसा ना हो धीरे धीरे मैथ्स पे आपका विश्वास जाता रहे, ठीक है। तो ठीक है, तो 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 0, तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मित्रों मेरी बात नहीं समझ आ रही, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इस इक्वेशन का क्या होगा? ये b है, b का स्क्वायर 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 12 इंटू 1 किसके इक्वल होगा? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 0 के इक्वल है, तो ऑफकोर्स उसके दो रूट्स इक्वल ही होने वाले हैं, जो कि आपको यहां दिख रहे हैं, 2 रूट 3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। मेरी बात नहीं समझ आई, मेरी बात नहीं समझ आई। बट द इंटरेस्टिंग थिंग भव्या जी, इफ यू कैन नोटिस, इज ये रूट्स इक्वल है बट इरेशनल है, नहीं समझ में आ रहा। तो यहां पर भव्या जी, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी में अगर आपने रैशनल लिख दिया, तो कंडीशन एक बहुत बड़ी ये है कि मित्रों, ये जो जो आपका यहां पर भी जो इसके कॉफिशेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? रैशनल। नहीं समझ में आ रहा, एम आई मेकिंग सेंस ऑर नॉट? तो इसलिए आई थिंक ये सारे कंफ्यूजन को बचाने के लिए आपकी जो किताब वाला है वो रैशनल इरेशनल की बात ही नहीं करता, क्लास टेंथ में रैशनल इरेशनल की बात ही नहीं करता, वो बोलता है यार रियल हो गया, नहीं समझ रहा। बट आपको मैं अंदर जाके दिखा दिया कि भाई गटर का वो खोलोगे, डब्बा खोलोगे तो नीचे ये सब कचरा आपको नजर आएगा, मेरी बात नहीं समझ आई? तो आपकी जो किताब वाला है वो हल्का फुल्का आपको ये बता देता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। तो किताब वाला दो तीन टाइप लेगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले टाइप में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। मित्रों कोई डाउट? ठीक। दूसरे केस में वो क्या बोलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रीत जी क्या बोलना चाहेंगे? रूट्स आर इक्वल, नहीं समझ में आया, एंड दे आर रियल, नहीं समझ में आया। रियल बोल के तो रैशनल इरेशनल उसमें कवर हो गया, चुप करके बैठ गया, नहीं समझ में आया। और तीसरे केस में मनी जी मेरे साथ ही है, रास्ते में गिर तो नहीं गए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज ग्रेटर देन 0, मनी जी बताइए रूट्स आर, नहीं समझ में आया। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रैशनल और इरेशनल के रास्ते में जाते हैं तो फिर आपको कोफिशिएंट्स का वो सब हिसाब किताब शुरू हो जाता है। इसलिए जो सलीना वाला आपका जो पाठ्य पुस्तक का जो ऑथर है वो आपको सिर्फ ये तीन रास्ते दिखाता है, जिसमें वो रैशनल इरेशनल की बात नहीं करता, वो बात करता है चलो रियल। तो फर्स्ट केस में अगर वो लेस देन 0 यार बात खत्म होगी, कॉम्प्लेक्स हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 0 है तो माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2 तो जो रूट्स हैं वो इक्वल है और रियल है, ठीक है। और तीसरे केस में अगर वो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स अनइक्वल है और रियल है, बात खत्म होगी। तो पीछे जितना भी तमाशा हुआ, भाई रूट ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, वो सब आपका
बोल रहा था, ठीक हो गया। तो सुंदर सुशील ज्ञान आपको जो मिलता है वो ये मिलता है, मेरी बात समझ में है? ये देखिए, रियल अनइक्वल, रियल अनइक्वल, रियल इक्वल, रियल अनइक्वल इमेजिनरी, बस रैशनल रैशनल की बात ही होगी। मित्रों को नाम ठीक, 5 मिनट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे, 5 मिनट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालना होगा, कोई डाउट है? अरे भाई सो गए, फर्स्ट क्वेश्चन निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac सिर्फ चेक करना है। मैडम डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैव इक्वल रूट्स। भाई इक्वल कब होता है? जब p स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है 0 के। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसमें p की, अगर लीनियर इक्वेशन बनेगी तो एक ही होगा, क्वाड्रेटिक बने तो 2 होंगे। नहीं समझ में आया तो क्लिक लेना। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा मैडम, परेशान होते जा रहे हैं, बस उसमें डरना नहीं है। जी 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 बाबा जी, 2 मिनट लीजिए बस, मैं एक शायद घर पे जाके आपको डाउट जो है वो अभी आपका पूर्ण कर देता हूँ। ये ए है, जो बी है वो माइनस 12 के इक्वल है, और ये सारा का सारा जो है सी जो है वो एन माइनस 5 है। मैडम कोई डाउट है? अब आप बोलिए। जो करना चाहिए कर लेंगे, आप जैसे उसको बोलना चाहें, आप उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बोलना चाहते हैं वो बोल दीजिए, आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac बोलना चाहते हैं वो कर दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। बट जो बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये a है, ये सारा का सारा b है, ये c है, यहां पर इनविजिबल a 1 है, b जो है वो p माइनस 3 है, और जो c है वो p है, ये पते की बात है, ये याद रखनी है। नहीं समझ में आया, अब मेरे सारे क्वेश्चन करेंगे ट्रिक मत। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखिए, ये ए है, ये सारा बी है, और ये सी है, इक्वल रूट्स है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल टू 0 होगा। नहीं समझ में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होगा। लीनियर इन इक्वेशंस आपने 8th 9th में सॉल्व किए हैं, नहीं भी की चिंता मत कीजिए, क्लास कैंप में फिर से आपको सिखाया जाएगा, वो चैप्टर 3 या चैप्टर 4 है, तो अगर नहीं भी सॉल्व होगी तो चिंता मत कीजिए, वो आपको सिखा दी जाएगी। याद तो कोई दुख क्लेश भेज ना, थोड़े से और टिपिकल से क्वेश्चन अगर आपने देखने हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये जो टॉपिक है भाइयों, ये टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि वो जो क्वेश्चन है, ये जो थोड़े डरने डराने वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप स्किप नहीं मारेंगे तो चलेगा, फोकस ऑन द क्वेश्चन विच आर मोर इम्पोर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपने करना होगा, या तो मेरे साथ करेंगे या घर पे जाके करेंगे। वैल्यू ऑफ m सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, कोई डाउट? 19th क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द रूट्स आर इक्वल। समझ आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac जैसे बोलना चाहते हैं, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया, आप एक काम कीजिए, यहीं से स्टार्ट कीजिए, 18, 19, 20। अच्छा बात।